कि कौन से कोर्स बढ़िया रहता है, कोर्स आपने वो अप करना जिसकी प्रीरेक ना हो। कि लोग बोलते रहे कि यही तेरे ही ज़्यादा साल सेमेस्टर था पहला, वो वहाँ पर बहुत अप जा रहा है, लोग पूछते कि 3 भाई या 4 भाई। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज है 31st of May, एक महीना हो गया भाई, मतलब मई ख़त्म हो गया, कॉलेज को शुरू हुए भी एक महीना हो गया, मतलब पता नहीं लगा टाइम कैसे निकल गया। और भैया आज का व्लॉग होने वाला है मज़ेदार। आज के व्लॉग में ना बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली लंगारा को लेके, मतलब आज मैं एक एक मुद्दे पे आऊँगा। लोग मुझे बहुत बोलते हैं भाई तू इंटेलिजेंट है, तेको औखा नहीं लगता, ये तो कॉलेज ही बहुत बेकार है, कॉलेज ही बहुत औखा है, सारे मैं क्वेश्चन के जवाब देता हूँ भाई आज। और बहुत सारे अपकमिंग बच्चों के और जो अभी पढ़ रहे हैं सबके डाउट होते हैं, कोर्स कौन से चुकने कैसे चुकने, तो भाई सबका जवाब देने वाला हूँ आज मैं। मजा आएगा कसम से, आज के व्लॉग में इंटरेस्टिंग होएगा तो बताऊँगा मैं। ये बार यार कॉलेज चलते हैं, अभी तो पूरा टाइम पे हूँ मैं, आप चेक कर सकते हो भाई 7:10 हुई है अभी, तो 8:30 क्लास है, इतना ही लगता है भाई, अब तो देख लिया मैंने, घंटा सवा घंटा ही लगता है जब तो पूरा तैयार हूँ, चलते हैं कॉलेज। साइकोलॉजी और मैथ्स की क्लास इकट्ठे है, नींद आने के पूरे पूरे चांस है, झेल लेंगे कोई नहीं, चले आप कॉलेज तो चले। गाइस हमने ना अपनी मैथ्स की क्लास बंक कर दी है, पाजी को भी बिगाड़ दिया हमने, पाजी आज तक बंक नहीं करता था पर पाजी ने भी बंक कर दिया है। और हमारी चार की टोली है यहाँ पे, एक सब्सक्राइबर भाई भी बैठे हैं पर वो थोड़े कैमरा चाहिए तो बोल नहीं रहे हैं, तो आप यार यहीं पे बैठे। और हम लैपटॉप हम सबके खुले हुए हैं, मतलब देख लो। और क्विज थी भाई, मतलब हमने क्विज करके हम बाहर ही निकले, सर भी देख रहे हैं चल के आए, अब भी क्लास बाहर निकल गई, इतना बोरिंग पढ़ाते हैं तो हम काम कर रहे हैं। और मिड टर्म भी आ गया भाई, नेक्स्ट वीक है मैथ्स का, तो उसकी भी तैयारी पूरी करनी है। ऐसे पाजी हमें तो आता ही है, पढ़ के भी नहीं जाना हमें, तो बहुत आसान क्वेश्चन बात है भाई, मतलब पढ़ने का भी मन नहीं है, तो बंक मार दिया अभी 1:15 होया है, तो हम थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ेंगे, मन किया मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं वीडियो बना लूँगा बाहर जाके, पढ़ना तो है थोड़ा बहुत, फिर निकल जाएंगे बस यार। और करने की, और आपको आज कोर्सेज का भी बताऊंगा, जैसे मैंने बोला था कि कैसे क्या ऑप्ट करना है वो सब बताऊंगा। तो वैसे बात कर लेते हैं कि कौन से कोर्स बढ़िया रहते हैं। एक तो बढ़िया छोड़ो, उठाने ही नहीं आते हैं तो लोगों को, कि उठाने कैसे हैं भाई, यार सिंपल होता है, जीरो से शुरू करता हूँ, वैसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पर फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले तो भाई लंगारा की वेबसाइट पर जाके अपना प्रोग्राम सर्च करो, जैसे मैं एसोसिएट ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस में हूँ तो मैं सिंपली सर्च करूँगा एसोसिएट ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस, वहाँ पर प्रोग्राम करिकुलम आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ प्रोग्राम करिकुलम है, उसके बाद उसमें ऑप्ट करो कि आपके कौन से कोर्सेज हैं, देखो उनको और चेक करो कि इलेक्टिव कौन से हैं। फिर से जैसे मैं कंप्यूटर साइंस में हूँ तो कंप्यूटर साइंस में 8 इलेक्टिव होते हैं, 4 UT इलेक्टिव इंक्लूडिंग लैब साइंस, 2 आर्ट इलेक्टिव होते हैं और 2 सेकेंड ईयर साइंस इलेक्टिव होते हैं। वो इलेक्टिव होते हैं जो आपकी चॉइस है। अब इलेक्टिव समझने हैं तो आपको मेरी रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो देखनी होगी, उससे आपको समझ आएंगे इलेक्टिव क्या होते हैं। अब लोगों को प्रीरिक्विजिट भी समझ नहीं आती, तो बाहर वो फैन ऑन हो गया है, अंदर आना पड़ गया लाइब्रेरी में। हाँ तो बात चल रही थी प्रीरिक्विजिट की, तो बड़े सिंपल है, प्रीरिक्विजिट भी समझ नहीं आना आपको, वो मेरी वीडियो ही देखनी पड़ेगी आपको, तो उसमें सारा समझ आ जाएगा। अब आ जाते हैं कोर्स कैसे उठाने होते हैं, सिंपल है यार, अभी आप पे इतनी प्रीरिक तो है नहीं है, जो ओवरराइड आएंगी वो ही आएंगी, उसमें भी कुछ इतना होता नहीं है, तो कोर्स आपने वो ऑप्ट करना है जिसकी प्रीरिक ना हो। अब आपको भाई वो कोर्स खोल के देखना पड़ेगा कोर्स डिस्क्रिप्शन में कि उसकी प्रीरिक क्या है। तो जैसे CPSC 1050 है, उसकी कोई प्रीरिक नहीं होती, इंट्रोडक्टरी कोर्स है, ऐसे आपने चेक कर लेना है। मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ क्योंकि मुझे उसका पता है, बाकी का मुझे नहीं पता, तो आपने ऐसे चेक कर लेना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स कैलक 1 है, ठीक है, उसकी कई बार ओवरहेड मिल जाती है अगर 12th में नंबर अच्छे हैं, नहीं मिलते तो आपको MDD देना पड़ेगा। MDD अब आके दोगे यहाँ पे, ये ऑनलाइन भी हो जाता है वैसे, अगर आप दे सकते हो ऑनलाइन भी दे सकते हो आराम से, तो देख लेना रजिस्ट्रेशन के बाद या पहले, तो अब आई गेस पता नहीं मुझे डेट्स उसकी, तो ऐसे रजिस्टर करने होते हैं भाई। और एक और सिनेरियो है इसमें कि जो अब सेमेस्टर है सितंबर टू दिसंबर, उसमें विंटर आ जाएगी, चक्कर है कि अक्टूबर नवंबर के बाद ना, मतलब 5 बजे अंधेरा हो जाएगा या 4 बजे भी अंधेरा हो जाएगा, दिसंबर में 3 बजे अंधेरा हो जाएगा, तो उस हिसाब से अपनी क्लासेस थोड़ी वैसे उठाना कि आप कहीं 6 बजे की उठा रहे हो, सर्दी में बिल्कुल बुरी हालत हो जाएगी, तो उस हिसाब से भी थोड़ा देख के करना अपना। तो मेरी जो प्रेफरेंस है कि मिड में मिल जाए या सुबह मिल जाए, ताकि ठंड में मतलब बुरा हाल ना हो ठंड में, क्योंकि बहुत बुरी हालत होती है ठंड में, तो ये फैक्टर अपना दिमाग में रखना। और कोर्स अपने वाइजली उठाना जो कंप्यूटर साइंस में है, अच्छे से कोर्स उठाना भाई, अपने इलेक्टिव ज़्यादा बर्न ना करना, मजबूरी आ जाए तो कर लेना पर अपने इलेक्टिव बचा के रखना थोड़े, 10:45, 10:30 अच्छे इलेक्टिव हैं, अगर आपने आगे वेब डेव करनी है तो वो काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। बाकी फिर अपने कोर्स 10:50 तो उठा ही लेना, कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, बाकियों के जो हैं भाई वो आप चेक कर सकते हो, तो इलेक्टिव जितने बचाओगे उतना बेटर है। तो ऐसे कोर्स उठाने हैं, डिस्क्रिप्शन में अपनी प्रीरिक्विजिट देख लो, प्रीरिक्विजिट क्या है उसके लिए भी लिंक आ रहा होगा, तो आपने ये वीडियो देख लेनी है भाई, इसमें प्रीरिक्विजिट के बारे में समझाया हुआ है। तो आई होप अब आपको कोर्स कैसे उठाने हैं मतलब वो पता लग गया होगा। और यार आप मुझे DM करते हो कि बता दो ये हमारा प्रोग्राम है, कौन से कोर्स उठाने हैं, यार कंप्यूटर साइंस का तो चलो मैं हूँ तो बता सकता हूँ, पर हर प्रोग्राम का मुझे नहीं पता कि उनके क्या कोर्सेज हैं, तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा वो कैसे करना है। कोई डाउट होता है मुझे DM कर दो इंस्टा पे या नीचे कमेंट कर दो, वैसे बता दूंगा, पर इतना भाई यार मेरे को पता नहीं कि कौन से प्रोग्राम में कौन से कोर्स हैं,
उस चीज़ में हेल्प नहीं कर पाऊंगा। बाकी कोई डाउट होता है ज़रूर आप डीएम करो या कमेंट करो, कोई चक्कर नहीं है, सब बताऊंगा भाई। तो यार वो जब क्लिप शूट करने के बाद ना कॉलेज से जो भागा दौड़ी में निकला हूँ ना, उस वक्त सीधा घर आया हूँ। घर आके भी मतलब हो गए 2 घंटे में को आए, और ऋतिक भाई आया तो उसको स्टॉप तक लेने गया था मैं। आप भी सोचते हो ना हर दूजे दिन आ जाता है भाई, इसके आने से ज़्यादा मेरे को आग लगी रहती है इसको बुलाने की। मैं बोर होता हूँ यार मैं घर पर, चल तू आ जा फिर। तो आया भाई। और यार हाँ मैं बताना भूल गया, मैंने एक ट्रिप प्लान करी है भाई, सैटरडे या संडे को जा रही है। मैंने इन सब स्टोरी भी डाली थी, पता नहीं ये ब्लॉग कल जाएगा, कल फ्राइडे है, कल थर्सडे है। तो भाई वैसे अगर आपको भी आना हो तो आप मेरे को डीएम कर देना इंस्टा पे। हम ग्रॉस माउंटेन जा रहे हैं, ग्रॉस ग्राइंड ट्रेल पे, बहुत मज़ा आने वाला है। 2.5 किलोमीटर की ट्रेल है, 1 किलोमीटर ऊपर एलिवेशन पे, तो काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी स्टीप है। और वापसी हम स्काई राइड से वापस आएंगे, जो मैंने अपनी क्लीवलैंड डैम वाली वीडियो में दिखाई थी। बहुत फन होने वाला है यार, मतलब थकावट तो अलग ही होएगी जो होएगी, और शाम को शिफ्ट भी है। तो ये है भाई, अच्छा सब्सक्राइबर से प्लान करिए यार, 4-5 लोग इन हो गए हैं, तो देखते हैं। अरे 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 क्या धूप है, तो चलते हैं भाई इसके साथ गप्पे गुप्पे मारते हैं, टाइम पास वगैरह करते हैं। कराना नेक्स्ट डे हो चुका है, कल वो आया था, उसके बाद तो जब मतलब वो चला गया 11 घंटे बाद ही। भाई मैं क्या सोया हूँ, पिछले 10 घंटे से सो ही रहूँ मैं, उसके बाद भी लेट उठा हूँ, तो देख लो भाई। तो अब मैंने सोचा कम से कम ब्लॉग तो एंड कर दे भाई, अभी इतना लेट हो चुका हूँ। मतलब कॉलेज के लिए लेट नहीं हुआ हूँ, वैसे बता रहा हूँ कि 10 घंटे से सो रहा हूँ भाई, क्योंकि नींद मेरी पूरी नहीं थी, अब पूरी हो चुकी है भाई फाइनली। तो अब कॉलेज जाने के लिए तैयारी है पूरी, बस खाने खा रहा हूँ, उसके बाद फिर कॉलेज निकल जाएंगे। ब्लॉग तो फिर नया ही शुरू करूँगा, ये तो खत्म करता। और हाँ यार मैं एक चीज़ का जवाब देना भूल गया था कि लोग बोलते रहा कि भाई तेरे ही ज़्यादा आसान सेमेस्टर था पहला, हमारा तो बहुत अच्छा जा रहा है वो ही कोर्स लेके भी। यार वो बात नहीं है भाई, मेरी जो मैथ्स थी 12th में, अभी यार मैंने पढ़ी थी वो मैथ्स और फिजिक्स, तो इसलिए मुझे आता था। तो अब जिन्होंने नहीं पढ़ा यार उनके लिए तो फिर अच्छा हो ही गई। तो बिना पढ़े तो मैंने पूरा सेमेस्टर निकाला है, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा पहले सेमेस्टर अपने, तभी मेरे को बढ़िया लगता था क्योंकि आता था। तो जैसे यार अब गंगा सिंह है, उसको कंप्यूटर आती है तो उसको भी आसान लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो भाई फिर वो ऐसा हम उसको ये नहीं कह सकते तू ज़्यादा इंटेलिजेंट है ये वो, ये ठीक है अगले ने पढ़ा। तो भाई इसलिए मतलब देख लो यार, अब औखा और आसान तो भाई सब खुद पे होता है यार, अब इसमें कोई कुछ कह नहीं सकता है। तो जैसे अब उसको कंप्यूटर आती है, अब मुझे नहीं आती है तो मुझे औखी लगती है, उसको आसान लगती है, तो ये सब सिस्टम होता है। और यार कोर्स देखो आप ही उठा रहे हो भाई, ठीक है किसी की सलाह पर उठा रहे हो, पर उठा तो आप ही रहे हो। सॉरी यार गला खराब है, तो भाई इसलिए फिर किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। और लोग पूछते हैं कि 3 उठाए या 4 उठाए, भी अगर मैं होता ना मैं सच में 4 उठाता, क्योंकि मुझे रिग्रेट होता है मैंने 3 उठा लिए, क्योंकि कोप भी आ गई ना इस वजह से, क्योंकि कोर्स ज़्यादा हो गए तो मुझे सेमेस्टर में 5-5 कोर्स करने पड़ेंगे। इसलिए बाकी आप अपना देख सकते हो। अभी अभी तो ब्लॉग में यहीं एंड करते हैं, कॉलेज निकलना है पहले, मैं पूरे टाइम पे हूँ, अभी वीडियो भी यहीं एंड करते हैं। अगर आपको कोई डाउट आए ज़रूर कमेंट में बता देना या इंस्टा पर मैसेज छोड़ देना, मैं पक्का जवाब दे दूंगा। अब ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करो।